नमस्कार दोस्तों, मैं सुशांत। आज हम लोग बात करेंगे बाप कौन और बेटा कौन। मार्केट में बहुत सारे कंपनी आता है, बड़ा बड़ा भाषण छोड़ के जाता है, लेकिन आज हम फुल डॉक्यूमेंट के साथ, प्रूफ के साथ आप लोगों के सामने बात करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए सर। ये जय 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 करने से कुछ नहीं होता। जय RCM, जय मोदी की, जय वेस्टिज, जय एमुआ, ये जय जय करने से कुछ नहीं होता। पूरा डॉक्यूमेंट के साथ बताएंगे बाप कौन है और बेटा कौन है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लिस्ट किसी भी बिजनेस का टर्नओवर देख के पता चलता है उस बिजनेस का ग्रोथ कितना होता है, चाहे ट्रेडिशनल बिजनेस हो या नेटवर्क बिजनेस हो। ऐसे ही नेटवर्क कंपनी का वार्षिक जो टर्नओवर होता है, ईयरली जो टर्नओवर है, वो देख के पता चलता है कि कौन सा कंपनी ज्यादा ग्रोथ हो रहा है। तो ये टर्नओवर मैं आप लोगों को एक एक करके शो करूंगा। पहले कुछ छोटा छोटा कंपनी है, एवोन, टोफरवायर, ये छोड़ देते हैं। हम कुछ टॉप टॉप कंपनी का नाम लेते हैं। पहला है ओरिफ्लेम, जिसका टर्नओवर 2018 से 2019 तक हुआ है 644.65 करोड़। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसके बाद आते हैं वेस्टिज, वेस्टिज में हुआ है 809 करोड़। इसके बाद आते हैं मोदी केयर, 844 करोड़। इसके बाद आते हैं सेफ शॉप, इसमें देखिए आप सेफ शॉप में है 860 करोड़। इसके बाद आता है एमवे, एमवे का है 1658 करोड़। इसके बाद आता है फैशन सूटिक प्राइवेट लिमिटेड, यानी RCM का आप टर्नओवर देख सकते हैं 1700 करोड़। बिजनेस वो ही चलता है जिसका प्रोडक्ट का क्वालिटी तो अच्छा होना चाहिए। हर एक नेटवर्क कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, नहीं तो नेटवर्क कंपनी नहीं चलेगा। लेकिन उसके साथ रीजनेबल रेट भी होना चाहिए। RCM का इंडियन रेट, इंडियन कल्चर, इंडियन मेंटेलिटी पे हर एक प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। ये डॉक्यूमेंट देखने के बाद भी कुछ लोगों को अभी तक संतुष्टि नहीं मिला होगा। कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो डाला था मोदी केयर का राइस ब्रैन ऑयल के बारे में और RCM का राइस ब्रैन ऑयल के बारे में। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक भी कर सकते हैं। उस वीडियो डालने के बाद कुछ मोदी केयर का अंधा कानून मतलब विश्वास कंपनी में होना सही है, लेकिन अंधविश्वास सही नहीं है सर। तो वैसे ही अंधा कानून लोग मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन किया था, उन सारे लोगों को मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा सर। आप जाइए गूगल में सर्च कीजिए FDSA, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। देखिए उस साइड में दिया हुआ है कि इंडियन गाइडलाइन के हिसाब से कौन कौन कंपनी अभी चल रहा है। टॉप लिस्ट में आप देखेंगे RCM का नाम है। मैं गर्व महसूस करता हूं कि मैं RCM से जुड़ा हूं सर। चलिए सर, RCM से रिलेटेड कोई भी जानकारी, डाटा, प्रोडक्ट नॉलेज, टूल्स, कुछ भी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय RCM, जय भारत।